गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा टॉपिक प्रोनाउन। तो सबसे पहले ये हमारी जो वीडियो होगी, एक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। इसमें हम पूरा कंप्लीट डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें क्या सीखेंगे कि प्रोनाउन होते क्या हैं, उनके पार्ट्स क्या हैं और उनका उसमें कौन कौन से ऐसे जो वर्ड्स हैं जो हमारे प्रोनाउन्स में यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी लर्न, वी विल लर्न व्हाट इज प्रोनाउन। तो सबसे पहले आपने प्रोनाउन का सुना ही होगा, जिसको हिंदी में आप बोलते हो सर्वनाम। तो प्रोनाउन्स क्या होते हैं? तो प्रोनाउन्स आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि वो वर्ड जो नाउन के स्थान पे हम यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। इनको हमने बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? इनको हमने बेसिकली 10 पार्ट्स में हमने प्रोनाउन को डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोनाउन्स को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है और वो कौन से प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन्स को हमने इसके 10 पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया है और हम यूज देखेंगे भी नाउन के स्थान पे कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं। जो हमारी कमिंग वीडियो होंगी उनमें हम क्या देखेंगे, इनको कैसे हम यूज करते हैं, उनके क्या रूल्स हैं, कौन से वर्ड हमें कैसे यूज करने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम वन बाय वन देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव जो प्रोनाउन होता है उसका एक पार्ट होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव, जैसे आपका एक वर्ड है पजेसिव, तो पजेसिव इसमें पजेशन शो करता है, जैसे कोई चीज किसी की है, जैसे राम की पुस्तक है, चेयर की जो लेग्स हैं, ठीक है, मेरा पेन है। तो ये क्या है, एक पजेसिवनेस दर्शाता है, जैसे कोई चीज किसी से बिलोंग करती है तो उसपे किसका अधिकार है, तो इसको बोलते हैं पजेशन शो करना। तो ये वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं जब हमें किसी चीज के ऊपर, किसी नाउन के ऊपर, किसी चीज पे हमें कोई अधिकार दर्शाना होता है और वो वर्ड हम अगर नाउन के को यूज ना करके अगर हम उनके स्थान पे हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो तब हम क्या यूज करेंगे। तो जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो हमारे माइन, आवर्स, देयर्स, योर्स, हिज, ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। इनका यूज कैसे करते हैं वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में, ये वीडियो जो हमारी है ओनली क्या है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जिससे हमें कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, यानी कि हमें इस वीडियो के थ्रू ये पता चलेगा कि हमें प्रोनाउंस में सीखना क्या है। यानी कि जो कमिंग वीडियो होगी उसमें माइन्यूट डिफरेंस आपको बताया जाएगा, लेकिन इस वीडियो पे हम सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस लेवल में हमें प्रोनाउंस, जब बात आती है प्रोनाउंस की तो उसमें हमें किस किस को हम उनमें इंक्लूड करते हैं, क्या क्या हम वहां पे सीखते हैं। तो जब हम प्रोनाउन करेंगे तो वहां पे हम करेंगे पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव क्या होता है, पजेशन शो करता है, जिसमें हम कौन से वर्ड का यूज करना सीखेंगे, माइन, आर्स, देयर्स, योर्स, यानी कि ये जो वर्ड है पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं और इनका जब हम यूज करते हैं वो कौन से रूल्स और कौन सी रेगुलेशंस वहां पे हमें फॉलो करने पड़ते हैं वो हम अपनी कमिंग वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन आपको पता ही होगा, अभी पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपको सभी को पता होगा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, माय, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन हमारा यू होता है और जो बाकी बच जाते हैं वो हमारे थर्ड पर्सन में काउंट किया जाता है। यानी कि जो पर्सन होते हैं वो थ्री टाइप्स में, हमने उनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये सभी को पता होना चाहिए भी पर्सन कितने होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो आई, माय, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू और ही, सी, इट, दे, देयर, देम, ये सब जो वर्ड्स हैं इनको हम कैसे यूज करते हैं, ये हम कौन से प्रोनाउन में सीखते हैं, ये हम पर्सनल प्रोनाउन में सीखते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड है इनडेफिनिट। जैसा कि नाम से पता चलता है, इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, यानी कि जिसमें कन्फर्म नहीं होता है। इनडेफिनिट कौन सा होता है, जो निश्चित नहीं होता है, जिसमें हमें कन्फर्म नहीं पता भी किस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, वहां पे हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज होता है। इसमें जितने भी वर्ड्स जिनके लास्ट में हम बड़ी वर्ड यूज करते हैं, जैसे समबडी है, एवरीबडी है, ठीक है, तो ये वर्ड्स हमारे जो इनडेफिनिट प्रोनाउन में हम कौन कौन से वर्ड्स का यूज करना सीखेंगे, अनदर, एवरीबडी, समबडी, लिटल, एनीथिंग, समवन, नो वन, एनीवन, बोथ, मच, फ्यू,
ठीक है, यानी कि somebody, anybody, जिन वर्ड्स के लास्ट में भी बड़ी वर्ड आ जाता है वो सभी हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन का एक पार्ट होते हैं। उसके बाद हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव, भाई डेमो करके दिखाते हैं, जैसा कि नाम से पता चलता है डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, डेमो करना मतलब किसी को शो करना, मतलब इंडिकेशन देना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं उसमें हम किन को इंक्लूड करते हैं, दिस दैट दीज दोज, ठीक है। और ये वर्ड दिस दैट सच और द सेम, ये वर्ड भी हमारे किस में आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करेंगे तो वहां पे हम दिस कहां लगना चाहिए, दैट कहां लगना चाहिए, दिस का यूज के कौन से रूल्स है, दिस और दोज में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो हम सीखेंगे। तो सच और द सेम ये वर्ड हमारे किस में यूज किए जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। उसके बाद में है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव आपने सुना होगा, रिलेटिव कौन होते हैं, हमारे सगे संबंधी, जहां हमारा एक कनेक्शन शो किया जाता है, जहां हमारे संबंध दिखाए जाते हैं, तो वो हमारे रिलेटिव होते हैं, ठीक है। तो सेम वे में जो जब हम बात प्रोनाउन की करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन में हू, हुम, हूज सेंटेंस के मिड में यूज किया जाता है इनको। तो ये किसका काम करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन का करते हैं, यानी कि या तो ये क्या करेंगे, ये जो वर्ड हम यूज करेंगे जब सेंटेंस के बीच में, जब हम दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं और इनका यूज करते हैं, तो वहां पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। दिस इज द बॉय, भाई ये वो लड़का है, कौन सा लड़का है, हु स्टोल माई, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पेन, पेन भी हो सकता है, ये वो लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया था। तो यहाँ पे लड़के के और पेन के बीच में क्या एक रिलेशन शो किया जाता है, तो दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पेन। तो हु का जो वर्ड का जो यूज किया गया है वो क्वेश्चन पुट करने के लिए नहीं किया गया, बल्कि दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए यूज किया गया है। तो इस प्रकार से क्या ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमें ध्यान रखना है, रिलेटिव जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये वर्ड्स हम यूज करते हैं। और ये कहाँ यूज किए जाते हैं, सेंटेंसेस के बीच में हम इनका यूज करते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी को बांटना, ठीक है, जैसा कि नाम है वैसा ही काम होगा। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उसमें होता है इच, एनी, इधर, नीदर, एवरी या नन, इन वर्ड्स का यूज करके हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हम इनको यूज करते हैं। तो जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम इनको बिल्कुल माइन्यूटली, बिल्कुल क्लियरली, इनको अच्छे से, इनको कैसे, कहाँ इधर का यूज करेंगे, कहाँ नीदर लगेगा, कैसे हम इनका यूज करते हैं, इधर में और नीदर में क्या डिफरेंस है, ये हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जो हमारा जो प्रोनाउन है उसमें हमने दो वर्ड्स को इंक्लूड किया है, वो हमारा इच अदर और वन अनदर। तो ये इच अदर में और वन अनदर हमने वर्ड्स हमेशा सेंटेंस में देखे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता भी कब हमें इच अदर वर्ड का यूज करना चाहिए और कब हमें वन अनदर का यूज करना चाहिए। एक माइनूट सा डिफरेंस होता है। इच अदर का यूज हम करते हैं जब कोई बात दो व्यक्तियों के बीच में होती है, ठीक है, तो हम लगाते हैं इच अदर। लेकिन जब कोई बात दो से ज्यादा के बीच में होती है तो वहां पे लगाते हम वन अनदर। यानी कि इच अदर और वन अनदर में बिल्कुल एक छोटा सा डिफरेंस है। इच अदर हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमारे कोई बात दो व्यक्तियों के बीच में होती है तो वहां पे इच अदर लगाते हैं, और जब बात दो से ज्यादा के बीच में होती है तो वहां पे हम वन अनदर का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है हमारा, इसमें सेल्फ वर्ड का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, सेल्फ वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे माय के साथ लगा दिया माय सेल्फ, भाई मैं अपने आप, हिंदी में क्या बनेगा, मैं अपने आप। यू योर सेल्फ, भाई तुम अपने आप अपना काम करो, ठीक है, तो उसके लिए योर सेल्फ हो जाता है, ठीक है। और जब हम, जब हमारा प्लूरल होता है तो आर का होता है आर सेल्फ हो जाता है, ठीक है, देम का देम सेल्फ हो जाता है। तो ये जो वर्ड्स है इनका हम यूज करना किस में सीखेंगे, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सीखेंगे। अब बात आती है एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग जो प्रोनाउन, इसको एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, जो हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं। देखो इसमें दोनों में सिमिलरिटी होती है, रिफ्लेक्सिव में और एम्फेसाइजिंग में सिमिलरिटी होती है। क्या सिमिलरिटी होती है, फिर दोनों में वर्ड्स सेम यूज किए जाते हैं।
दोनों में सिमिलरिटी यानी कि एक जैसा क्या होता है, वर्ड्स सेम होते हैं दोनों में, लेकिन यूज में डिफरेंस होता है। यूज में डिफरेंस क्या होता है भी, जो जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, ये जो वर्ड अगर जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट लगे होते हैं यानी कि ठीक है, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और जहां पे वर्ब के बाद यूज होते हैं तो वहां पे रिफ्लेक्सिव, जैसे ही हिमसेल्फ हर्ट हिज टो, यानी कि ही हिमसेल्फ, आई माई सेल्फ, अगर ऐसे हम यूज करते हैं तो ये एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो जाता है। लेकिन ही हिट हिमसेल्फ, अगर उसको हम वर्ब के बाद में अगर इन वर्ड्स को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के जो वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे सेल्फ लगा होता है, इनको अगर हम आफ्टर वर्ब हम अगर यूज करते हैं तो वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। लेकिन यदि जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट हम इनको यूज करते हैं तो ये हमारे एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हो जाते हैं। उसके बाद है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो क्वेश्चन पुट करने का काम करते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं। तो वो वर्ड्स आपको बताइए, जैसे हु है, हुज है, हुम है, विच और व्हाट। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे क्या हैं, वो एम्फेसाइजिंग सॉरी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन पुट करने का काम करेंगे। तो ये एक हमारी क्या थी, एक इंट्रोडक्शन के लिए, यानी कि प्रोनाउंस क्या है, उनके पार्ट्स क्या हैं, उनका एक माइन्यूट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था। ये हमारे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यानी कि अब जो कमिंग वीडियो होगी उसमें हम इनको क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए जरूरी था कि आप अपने माइंड में एक इसका मैप बना लेंगे। प्रोनाउन की जब हम बात करेंगे तो आपको ये 10 पार्ट्स इनके माइंड में आपके एक मैप बन जाना चाहिए कि हाँ भाई, जब हम बात प्रोनाउन की कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए भी प्रोनाउंस को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिर हम जब बात पजेसिव प्रोनाउन की करें तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए माइन, आर्स, देयर्स, ये हमारे पजेसिव होते हैं। जब हम बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तो हमारे माइंड में एक वर्ड की पिक्चर बन जानी चाहिए कि जिनके पीछे सेल्फ लगा होता है वो हमारे रिफ्लेक्सिव होते हैं। जब हम बात करें एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की तो आपके माइंड में फिर भी आ जाना चाहिए कि हाँ, इनके पीछे भी सेल्फ लगा होता है लेकिन दोनों के यूज में डिफरेंस होता है। जब हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव की तो आपके माइंड में एक पिक्चर, दिस और दैट, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए जब डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं उसमें दिस दैट दिस दोस सच और द सेम वर्ड जो है यूज किए जाते हैं। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी, ये एक हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको थोड़ा इसके बारे में, प्रोनाउंस के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको डिटेल में कंप्लीट हम करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में, इसलिए आगे आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।